रिक्वेस्ट है, हम ये चाहते हैं कि मतलब पूरा भारत घूमने का मकसद हमारा ये है कि हम ड्रग्स को बैन हो और कल के दिन हमारा चलो पूरा भारत घूमने के बाद जो हमारा मकसद है ना ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है, उससे क्या ना भारत देश की आने वाली पीढ़ियां जो है या जो प्रेजेंट टाइम की नस्लें हैं वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में होगी। देश का तिरंगा यात्रा, तिरंगा झंडा को लेके यात्रा कर रहे थे पैदल, तो क्योंकि मैं भी राजनीतिक सामाजिक आदमी हूँ तो मेरा फर्ज बनता था कि भाई को रोक के दो कप चाय पिलाए, पानी पिलाया जाए। थैंक यू। एक चीज़ भूल गया आप लोगों को, एक चीज़ बताऊं, मैं पता है वहाँ से आते वक्त इतनी जल्दी में आए ना हम, क्या ही बताएं, मतलब कि वहाँ से मैं सारे कपड़े वहीं भूल गया, बस खाली लोअर ही लोअर डाल के लेके आ गया। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल यार आज भी एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, एकदम मस्त धूप लगी है बाहर तो, और कैंपिंग काफ़ी ज़्यादा भीग चुका है, ज़्यादा अरविंद भाई बता दीजिए, कैंपिंग देख सकते हैं अभी तक पानी आ रहा है कैंपिंग से, तो इससे हमने अंदर भी हल्का हल्का पानी आ रहा है, जो कि रात में काफ़ी दिक्कत हुई थी। इधर दिखाना ये देखो भाई जी, हल्का हल्का पता लग रहा ना इसमें, ये है कि ये पानी आया है, तो ये रात में पानी आ गया था इसमें, ये अपना आप ही मार रहा है। हमने कवर भी डाला था बाहर से बट उससे कोई असर ही नहीं हो पाया, तो हमको अब देखते हैं कैथलॉन का कैंपिंग लेना पड़ेगा, जो कि फिर निकलते हैं यहाँ से, फटाक से निकल के यहाँ से जल्दी से तैयार होते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। चलो फिर मिलते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यार मैं तो एकदम फ्रेश हो चुका हूँ आदमी धोके, और यहाँ पे हमारा सामान पैक हो रहा है, तो हमारा कैंपिंग सूख भी गया है, अब तो कैंपिंग अच्छे से सूख गया है, अब इसको मस्त तरीके से फोल्ड करेंगे, क्योंकि रात को इसमें पूरा पानी आ चुका था, तो इसीलिए यार इसको हमको लेट भी हो गया है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। अरविंद भाई यहाँ पे हाथ मुँह धो रहे हैं ये, और क्या कहते हैं, तो उसके बाद फिर निकलते हैं यार यहाँ से मस्त तरीके से, एक बार कैंपिंग खोलते हैं क्योंकि कैंपिंग सूख गया, अपना सामान पैक कर रहे हैं हम, और उसके बाद फिर निकलते हैं एकदम मस्त तरीके से। उसके बाद तो आज तो पता नहीं यार कितना ट्रैवल हो पाएगा, कोई पता नहीं है, तो निकलते हैं यार कैसे करके अभी, क्योंकि 2-3 तारीख तक हमको हरिद्वार पहुंचना है, और रास्ते यहाँ पे हमारा सामान पैक हो रहा है, एक बार मस्त तरीके से सामान वामान पैक करते हैं। ये बैग है, ये स्लीपिंग यहाँ, कपड़े, ये झंडा यहाँ ऐसे बिखरे पड़े हैं। बट मैं यार गाइस एक चीज़ भूल गया आप लोगों को, एक चीज़ बताऊँ, मैं पता है वहाँ से आते वक्त इतनी जल्दी में आए ना हम, क्या ही बताएं, मतलब कि वहाँ से मैं सारे कपड़े वहीं भूल गया, बस खाली लोअर ही लोअर डाल के लेके आ गया, जीन्स भी सारे उधर ही रख दिए, और खाली लोअर डाल के लाया मैं बैग पे, जो कि मेरे पास लोअर चार या पांच लोअर लेके आया हूँ, और एक टी शर्ट लेके आया हूँ, बस हो गया, और कपड़े ही नहीं लाया वहाँ से, सारे शर्ट उधर ही रह गए, टी शर्ट उधर ही रह गए, अब मेरे को एक टी शर्ट भी लेना पड़ेगा, ये तो मैंने सुबह सुबह अरविंद भाई का पहन रखा है, और एक और लेना पड़ेगा जो कि अरविंद भाई के पास तो है, बट अब यार क्या ही करें, चलो कोई बात नहीं। तो फिलहाल दोस्तों यार हमने कैंपिंग खोलने के बाद तो हमारा बैग पैक हो चुका है, तो अब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे, और जो कि हम कल दिन से अंकल जी के पास में रुके थे, तो कल हमने यहीं पर रुके थे, आप लोगों को बताया हमने कल दिन भर हम सो ही नहीं गए, क्योंकि हमको कल नींद लग रही थी, परसों रात को हम सो ही नहीं थे, तो मैंने परसों ब्लॉग एडिट किया था, तो इस वजह से मेरे को नींद लग रही थी, तो आज तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि नींद पूरी हो चुकी है ऑलरेडी, और निकलते हैं यहाँ से, आज काफ़ी टाइम हो चुका है क्योंकि हमने सुबह निकलना था, बट आज हमारा कैंपिंग थोड़ा गीला हो चुका था, उसको सुखाने के चक्कर में हम लेट हो गए आज, तो नहीं तो अब तक तो हमको 10 किलोमीटर कवर कर लेना था अब तक, तो निकलते हैं फिर कच्चे से निकालते हैं और मस्त तरीके से आएंगे, ठीक है, आते वक्त मिलाते हैं अंकल जी से फिर दोबारा। हाँ चलो, थैंक यू। फिलहाल गए यार हम लोग, क्या कहते हैं, वहाँ से निकलने के बाद हमने ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे, तो हमने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पर आए हैं, जो कि हमने फ्रेश होकर मस्त तरीके से, अब हम यहाँ पे चाय भी पियेंगे और ब्रेकफास्ट भी करेंगे मस्त तरीके से, और ये हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, देख सकते हैं आलू पराठा हमने मंगा रखा है, तो दोनों भाई ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ से फुल पावर निकलते हैं, फिर मेरे वीडियो के साथ फिर मिलते हैं रास्ते में, ठीक है, और
सफर आज भी, आज तो कैसे करके बाराबंकी पहुंचना है, 3 दिन हो गए बाराबंकी नहीं पहुंच पाया, आज कैसे करके क्रॉस करना है, बस 72 किलोमीटर बचा है तो उसको क्रॉस कर लेंगे मस्त तरीके से। तो फिलहाल दोस्तों यार जाते जाते वहां से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल चुके हैं हम, और जो कि अब यहाँ से आपको कौन से रास्ते से जाना है ये रास्ता रहा वाला रास्ता आगे से, ये कौन सा गांव है बाराबंकी से, बाराबंकी से हम चेंज कर देंगे जो कि लखनऊ वाला छोड़ के हम जाएंगे कानपुर वाले रास्ते से, जो कि कानपुर 128 किलोमीटर बचा है और हमको हल्द्वानी को निकलना है। तो हल्द्वानी में काफ़ी बहुत बड़ा ब्रेकअप होने वाला है और जो कि तबाही होने वाली है हल्द्वानी में भी, और जो कि ऋषिकेश में भी काफ़ी बंदे मैसेज कर रहे हैं कि हम ऋषिकेश पर मिलेंगे भाई, ऋषिकेश पर मिलेंगे, बट हाँ ऋषिकेश में भी बहुत बड़ा मीटअप होने वाला है तो काफ़ी ज़्यादा तबाही होने वाली है, ऋषिकेश पर भी मिलेंगे हम बहुत जल्द मिलेंगे और बने रहना वीडियो के साथ देख सकते हैं रास्ते में, ठीक है। और कानपुर 128 किलोमीटर आज हमको बाराबंकी क्रॉस करना है, तो फिर मिलते हैं देर की बाकी। तो यार फिलहाल दोस्तों अभी नेताजी चाय वाले ढाबे पर आए हैं, ब्रांच है अयोध्या का ब्रांच है और अयोध्या में एक और ब्रांच है आपने देखा होगा छोटा से जाएगा, तो उस भैया के पास हम अपना बैग रखा है, तो एक और भैया मिलकर जो कि अयोध्या से इनका ब्रांच है ऐसा है, तो हमको तो कंफर्म पता नहीं है, तो लेकिन इन भैया ने हमको ऑफर किया था चाय के लिए, तो काफ़ी रुके थे हम जा रहे थे रास्ते से, तो इन्होंने हमको बुला रखा है चाय एक बार मस्त तरीके से, काफ़ी अच्छा लगा यार कि लोग हमको इतना रिस्पेक्ट ले रहे हैं, तो हमने भी रिस्पेक्ट करने के लिए लोगों की, अगर जो हमको अगर कोई दो शब्द अगर अच्छे प्यार से बोल रहा है तो हमको भी रिस्पेक्ट करने के लिए भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, तो दो शब्द भैया भी बोलिए। नमस्कार भाई जी, मेरा नाम है श्यामजी पटेल, लोग मुझे यहाँ नेताजी के नाम से जानते हैं, हमारी यह दूसरी ब्रांच है, इससे आगे मेरा डीएस फैमिली रेस्टोरेंट है और हमारे यहाँ चाय काफ़ी पसंद की जाती है, इसलिए लोगों ने मांग के तो ये हमने लखनऊ रूट पे डाला हूँ, जिला अयोध्या आया स्थान उधौली, भाई लोगों को देखा हमने कि ये पैदल जा रहे थे, तिरंगा यात्रा तिरंगा झंडा को लेके यात्रा कर रहे थे पैदल, तो क्योंकि मैं भी राजनीतिक सामाजिक आदमी हूँ तो मेरा फर्ज बनता था कि भाई को रोक के 2 कप चाय पिलाएं पानी पिलाया जाए, फिर भाई लोग रुके और इनसे मैंने पूछा कि भाई आपका उद्देश्य क्या है यात्रा का, बोले भैया पूरे भारत की यात्रा करना है और हमारा ये उद्देश्य है, उद्देश्य सुन के बहुत अच्छा लगा, इनका उद्देश्य ये है कि पूरे देश में ड्रग्स बंदी हो, ड्रग्स पे प्रतिबंध लगे, क्योंकि ये जो हालात पंजाब अरुणाचल या ऐसे कई प्रदेश हैं जो छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स लेना शुरू कर दिए हैं, उससे क्या ना भारत देश की आने वाली पीढ़ियाँ जो है या जो प्रेजेंट टाइम की नस्लें हैं वो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में होगी, देश का विकास नहीं होगा, लोग इसमें क्या है समाते जा रहे हैं, शिक्षा की तरफ नहीं देख पाएंगे, विकास की तरफ नहीं जा पाएंगे, तो हमारा देश और पीछे जाएगा। भैया का यात्रा जो है बहुत सही दिशा में है और हम लोगों का पूरा सहयोग है, उम्मीद ये करते हैं कि देश के सभी लोग जो भी हैं जिस भी प्रदेश के हैं जहाँ से भी हैं भाई का सपोर्ट करें और इधर निकलें तो हमारे दुकान पे आए नेताजी चाय वाले की दुकान पे, हमारे यहाँ 20-22 वैरायटी की चाय है, आप लोग चाय पिलाएंगे और देश हित के लिए बात भी करेंगे, समाज हित के लिए बात करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आ चुके हैं और अब अपना सफ़र कंटिन्यू रख रहे हैं, जो कि भैया ने आप लोगों को बता ही दिया कुछ इन्फॉर्मेशन, तो काफ़ी अच्छा लगा, भैया ने भी बताया जो चीज़ें भैया ने बताया तो काफ़ी अच्छा लगा, उनसे दो शब्द हमने भी सुने जो कि भैया ने बोला, आने वाली जो पीढ़ी है हमारे और जो आने वाले बच्चे हैं तो उनके लिए मतलब काफ़ी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल रही है अभी भारत में, तो अभी तो कमी स्टेट में है ये चीज़ें ज़्यादातर, तो जैसे कि हमने कई स्टेट में देखा कि ये ड्रग्स से रिलेटेड, तो भाई हमारी ये रिक्वेस्ट है, हम ये चाहते हैं कि मतलब पूरा भारत घूमने का मकसद हमारा ये है कि हम ड्रग्स को बैन हो, और कल के दिन हमारा चलो पूरा भारत घूमने के बाद जो हमारा मकसद है ना, तो उस दिन भी हम ये बात बताएंगे और उस दिन अपनी बात भी रखेंगे जो हमारे विचार हैं, तो इन चीज़ों को भी थोड़ा मतलब सरकार तक पहुंचाएंगे हम, यही कोशिश है बस आप लोग सपोर्ट करना इसी वजह से हम, ताकि हम बता सकें कि इस चीज़ को बैन करो, ताकि वो लोग भी समझे कि हाँ हम यही बात बोलना चाहेंगे कि आज के डेट में छोटे छोटे बच्चे 14-15 साल के बच्चे क्या अगर ड्रग्स पीने लग गए, बताओ क्या क्या होगा आने वाली पीढ़ी की, क्या होगा क्या हाल होगा, बट अभी बिहार की जनता देखो कितना है, यूपी में देखो और झारखंड में देखो और क्या कहते हैं, अगर ये और स्टेटों में जो ये इतना बड़े बड़े स्टेट हैं इनमें अगर ये चीज़ें फैल जाएगी
तो देखो अभी एक नॉर्मली बात बताते हैं आपको, जैसे अभी बिहार में दारू बंद है तो बिहार में दारू तो बिक ही रहा है ना, तो देखो अभी भी बिक रहा है, बट कहाँ से बिक रहा है वो किसी को पता नहीं है, लेकिन देखो अभी भी बिक रहा है। अगर ये चीज़ें अगर सख्त तरीके से बैन किया जाएंगे ना भाई साहब, एक दो को पकड़ा जाएगा ना, सख्त तरीके से पकड़ा जाएंगे ना, तो सब कुछ अपने आप ही मैनेज हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम ही यही चाहते हैं बस आप लोग सपोर्ट करना, और हमारे एक मांगे हैं कि हम जो हमारा मकसद है तो हमारा मकसद पूरा हो, दुआ करना हम बाबा केदारनाथ से, कृपा है बाबा केदारनाथ भी हमको बस इस लायक बना दे कि हाँ गए, और ताकि उन वहाँ भी लाइफ शो में हमारा चल सके कि हमारे जो मांगे हैं जो हमारे मकसद है। तो फिलहाल गाइस यार हम लोग आए थे यहाँ पे, और जो कि हमने एक बैनर बना रखा है अपने बैग के लिए, दो बैनर बना रखे हैं, एक अरविंद भाई का एक मेरा है, दो बैनर बनवा रखे हैं हम लोगों ने। तो भैया कुछ बोलोगे आप? सुल्तान फ्लैट खुले हुए भैंसा चौराहे पे, छोटे से आप लोग को कभी कुछ भी काम कराना हो तो आप आके अपना काम करवाएं। प्रिंटिंग का ना? हाँ। और ये मशीन लगी हुई है जो कि यहाँ पे प्रिंटिंग होता है, काफ़ी अच्छी बड़ी मशीन है जो कि प्रिंटिंग होता है। तो भैया के शॉप पे आके कभी सेवा का अवसर ज़रूर दें। चलो फिर भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका दो शब्द बोलने के लिए, और आपका आप लोगों ने हमारा बैनर बना दिया, काफ़ी अच्छा लगा, जो कि पहले तो नहीं बनेगा बोल रहे थे, फिर बाद में बन गया था, तो काफ़ी अच्छा लगा उसके बाद, जो कि हम सारे रास्ते पूछते पूछते आ रहे हैं, हमारा बैनर मिल नहीं रहा था, तो इसी के लिए यहाँ पे हमने जो हमारा मकसद था उसी के लिए। फिर अब अच्छा रहेगा ना, क्योंकि रोड पे चलने के बाद लोग पूछते भी नहीं है ना, बट वो सोचते हैं ये क्या कर रहे हैं, तो लोग तो फिलहाल दोस्तों यार अंधेरा हो चुका है, और क्या कहते हैं हम ये खेत में जाके मतलब गन्ने चुरा के लेके आए हैं, अभी अंधेरा हो रहा था, लेके आए हैं, मैं इनको जा बोले थे मैं नहीं गया, और हम आज ट्रैवल करेंगे अभी 12 कितना किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है और 50 किलोमीटर है, तो पूरा 12 क्रॉस करना है हमने। और तो फिलहाल दोस्तों यार हम जा रहे थे पेट्रोल पंप से, थोड़ा हमने कहा फ्रेश रेस हो लेते हैं और हाथ मुँह धो के और फिर निकलते हैं यहाँ से, तो हमको भैया ने रोक लिया, और भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, एक तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और क्योंकि हमको इतने रिस्पेक्ट दी, और हमने आने के बाद चाय भी ऑफ़र की भैया ने, और बहुत बहुत धन्यवाद कि हर कोई नहीं करता भैया, ये हंसने वाली बात नहीं, बट कोई हम जाते हैं ना तो लोग हंसते हैं, पता है हम पैदल घूमते हैं तो लोग सोचते हैं ये क्या कर रहे हैं, बट आपको तो पता है, आप जो समझता है जो समझदार है उसी को पता है भाई क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत भैया इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे क्या नाम है इस जगह का, और यहाँ पे क्या क्या है, ये वो इंडिया का सबसे टॉप है बता रहे हैं, तो मेरे को याद नहीं रह रहा वो चीज़ें, तो भैया से पूछते हैं। ये भारत पेट्रोलियम का अपना आउटलेट है, हाँ, पीपी में वही घर ढाबा, हाँ, ये हमारे यहाँ पेट्रोल पंप है, हाँ, रेस्टोरेंट ढाबा है, बार्बर की दुकान, हाँ, नाई की, धोबी की शॉप है, हाँ, इधर अपोजिट साइड में आपको ट्रक पार्किंग मिलेगी, ट्रक पार्किंग, हाँ, आगे फ्रंट पे रेस्टोरेंट है, हाँ, NH 28 पे ये है, हाँ, लखनऊ टू अयोध्या, लखनऊ टू NH 22 ना 22 है, NH 28 हाईवे पे है, तो कभी आइए और एक बार सेवा का अवसर ज़रूर दें, और इतने अच्छे अच्छे भी लोग हैं भारत में, लोग क्या कहते हैं काफ़ी अच्छे लोग भी हैं, और कई कई बुरे लोग भी मिलते हैं, तो इस भारत यात्रा को सफल बनाने में हमारी हेल्प करें, और ऐसे लोग मिलते रहें, हम तो यही दुआ करते हैं बाबा केदारनाथ से कि ऐसे लोगों से हमें मिलाते रहें, काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेट होता है कि लोग कोई लोग अगर हमको बताते भी नहीं दो शब्द, अगर अपनी मुँह की वाणी बोल दे तो हमको उससे ही काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और मंगलमय हो, ओके थैंक यू सर। और अभी तो हम फिलहाल दोस्तों अभी तो मैं रेस्टोरेंट पर आया हूँ, क्योंकि हमने कुछ यहाँ पे छोले समोसे खा के, और हम निकल रहे फुल पावर, और थोड़ा मैंने कैब निकाल लिया, रात का माहौल है तो पूरी नाइट चलते रहेंगे, आज ट्रैवल करेंगे, तो
मैं इसीलिए मूव को पैक करने के लिए कैप निकाल रही है। तो यहाँ से निकलते हैं और आज का ब्लॉग ये एंड करते हैं। फिर इस वाली ब्लॉग में हम रात में कितना ट्रैवल करेंगे और इस यहाँ पर रुके हैं और अभी हमको जाते जाते हम रात में क्या कहते हैं हमने यहाँ पर क्यों रुके कि हमारा यहाँ 10 बजे के बाद GPS बंद हो जाता है, हमको तो पता ही नहीं था, और 4 बजे सुबह ऑन हो जाता है और तो हमारा वो सोने का टाइम रहता है, GPS वाले हमारा GPS बंद करते हैं उसके बाद। तो उसके बाद हमारा GPS बंद हो गया 10 बजे तक, ये क्या कहते हैं 10 बजे से लेकर 4 बजे तक GPS के ब्लॉग में बताएंगे बहुत जल्द। और तो आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आता लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।